आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले केएल राहुल का नाम टी20 वर्ल्ड कप की जो टीम थी उसके लिए नहीं लिया जा रहा था, लेकिन आईपीएल 2024 में केएल राहुल का जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए अब एक बार फिर से केएल राहुल के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो मुकाबला था वहां पर केएल राहुल ने अजिंक्य रहाणे का जो कैच पकड़ा उससे वो विकेट कीपिंग के दावेदार हो गए। राहुल ना सिर्फ विकेट कीपिंग बल्कि जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए केएल राहुल को ले जाना चाहिए। कल मुकाबले से पहले एक फैन पोल किया गया जिसमें ये सवाल पूछा गया था कि क्या केएल राहुल को टी20 वर्ल्ड कप में जगह मिलनी चाहिए। 70% लोगों ने कहा था हाँ और 30% लोग केएल राहुल के पक्ष में नहीं थे, यानी जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि अब केएल राहुल को जगह मिलनी चाहिए टी20 वर्ल्ड कप की टीम में। लेकिन सवाल ये उठता है कि केएल राहुल टी20 वर्ल्ड कप में कहाँ पर खेलेंगे। आईपीएल में हम देख रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं, ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या टी20 वर्ल्ड कप में वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे या फिर टीम इंडिया के लिए वो काफी समय से अब मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं वहां पर खेलेंगे। तो केएल राहुल को लेकर अगर ये कहा जा रहा है कि उनको टी20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए तो सवाल ये उठ जाता है कि आखिर वो किस स्थान पर खेलेंगे, क्या ओपनिंग के लिए वो सही कैंडिडेट हैं। 2021 के वर्ल्ड कप में और 2022 के वर्ल्ड कप में हम केएल राहुल को देख चुके हैं, ओपनिंग की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी लेकिन वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुए थे, जैसी उम्मीद की जा रही थी राहुल नहीं कर पाए थे। जब भी टी20 में बात की जाती है तो केएल राहुल का स्ट्राइक रेट एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। इस सीजन में जो स्ट्राइक रेट है केएल राहुल का 140 से ज्यादा का है, रन भी उन्होंने 302 बना लिए हैं इस पूरे सीजन में, बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं लेकिन स्ट्राइक रेट जैसा कहा जाता है कि भाई 150 के ऊपर होना चाहिए टी20 में, जिस तरीके के स्टैंडर्ड सेट हो गए इस बार हमने आईपीएल में देखा है उसके लिहाज से केएल राहुल उसमें थोड़ी सी मार खाते हुए दिखते हैं। लेकिन जिस दिन हम देखते हैं केएल राहुल के बल्ले से रन निकलते हैं बड़े शानदार बल्लेबाज वो नजर आते हैं, यानी अपने दिन पर केएल राहुल सबसे बेस्ट होते हैं लेकिन जब नहीं चलते हैं तो फिर लगता है कि भाई इनको टीम में क्यों रखा जाए। अब फिलहाल जिस तरीके से अब तक उन्होंने परफॉर्मेंस की 8 मुकाबले में 302 रन बनाए हैं, इसको देखते हुए जब फैंस से पूछा गया तो भाई ज्यादातर फैंस का कहना है कि केएल राहुल को टी20 वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए, लेकिन कहाँ पर खेलेंगे, किस पोजीशन पर खेलेंगे, क्या ओपनिंग करेंगे, मिडिल ऑर्डर करेंगे, ये बहुत बड़े सवाल हैं। साथ ही जब विकेट कीपिंग की बात आती है तो ऑलरेडी आपके पास ऋषभ पंत एक ऑप्शन है, साथ में संजू सैमसन शानदार खेल रहे हैं सीजन में, 314 रन संजू सैमसन इस सीजन में बना चुके हैं, विकेट कीपिंग अच्छी है, उनकी टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर नजर आ रही है, कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी है और विकेट कीपिंग भी, तो संजू सैमसन एक ऑप्शन आते हैं। साथ में ऋषभ पंत भी हैं जिनके नाम की चर्चा है कि भाई पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, जब तक फिट नहीं थे बहुत सारे विकेट कीपर ट्राई कर लिए गए, तो अब ऋषभ पंत है, वहाँ पर संजू सैमसन है, केएल राहुल भी एक नाम है, साथ ही ईशान किशन के नाम की भी चर्चा होती रहती है। अगर आप शुरुआत में लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो वहाँ पर ईशान किशन भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो 4 ऑप्शन है भारत के पास, ईशान किशन है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत और संजू सैमसन है। सेलेक्टर्स को चुनना है कि किस खिलाड़ी के ऊपर वो दांव लगाते हैं विकेट कीपिंग का, क्योंकि केएल राहुल के पक्ष में तो हवा चल पड़ी है, बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि केएल राहुल को टी20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। आपका क्या मानना है, क्या केएल राहुल एक परफेक्ट कैंडिडेट है टी20 वर्ल्ड कप में विकेट कीपिंग के ऑप्शन के लिए, या फिर आपको लगता है कोई और खिलाड़ी विकेट कीपर होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताएं।